सब्सक्राइब कीजिए टी फिशिंग टेक को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कैसे हो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी फिशिंग टेक और आपको आज दिखाने वाले हैं गारफिश। और दोस्तों इसको इंडिया में बर्वी कहते हैं, जी हाँ इसको बर्वी कहते हैं। और इसकी विटामिन और फैट्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे आप ये इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए इसकी इतनी विटामिन्स और इतने फ़ायदे भी हैं इसके, तो देखिए। तो दोस्तों इसमें अल्कोहल फ्री है ये फिश, और आप इस फिश को खाने से हेल्दी रहते हैं और इसमें विटामिन्स बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आपके लिए ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इंडियन प्राइस की इसकी बात की जाए तो इस फिश की, ये कर्नाटका में एक पीस 5 रुपये से 3 रुपये तक हो जाती है। अगर इस फिश की ऑल इंडिया प्राइस की बात की जाए तो इसकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट होती है और इसकी कम से कम 200 से 150 तक पर किलो होती है। और ये फिश सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना और जापान में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है और ये लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पकड़ते हैं और ये रॉड यानी फिश रॉड से ये ज़्यादा पकड़ते हैं। और ये फिश गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ मिलती है, यानी समंदर में हर तरफ मिलती है। और इस फिश की कुकिंग की बात करें तो इंडिया में इसकी बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं। इसकी सबसे ज़्यादा और सबसे महंगी रेसिपी इसकी फ्राई होती है, यानी इसको बॉईल के कर लिया जाता है और इसको यानी तेल में इसको पकाया जाता है और इसको बेचा भी जाता है और घरों में खाया भी जाता है। तो इसकी फ़िश फ्राई इसकी बहुत ही इसकी फेमस है। तो दोस्तों, तो आपको ये हो गया जनरल नॉलेज। अब इस फिश के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि ये फ़िश बहुत ही मासूम होती है, क्योंकि ये जब हम लोग इसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये एकदम से आहिस्ते 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 चलती रहती है, यानी समंदर में तैरती रहती है और जाल के नज़दीक आते ही वो रुक जाती है। हम लोग जो आपको येलो कलर का, जो मेरे हाथ के पास जो येलो कलर का बोया दिख रहा है वो है, उसके साइड में आ जाती है और जब उसकी आगे की जो चोंच होती है, देखिए ये जो चोंच होती है, ये चोंच लगते ही वो उधर ही घूम जाती है और जाल में फंस जाती है और ये हम लोग को मिल जाती है। तो मुझे ये फिश बहुत ही पसंद है और इसकी फ्राई बहुत ही पसंद है और लोग इसको फ्राई करके ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग इसको आग पर भून देते हैं, इसको सिल्वर पेपर में, आपको पता ही होगा सिल्वर पेपर में इसको लपेटते हैं और इसमें इसको आग में डाल देते हैं और इसको भून कर खा लेते हैं। तो ऐसे करने से भी ये बहुत ही टेस्टी हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और आप ये फ़िश कभी खाए हो या आपने कभी इसको पकड़ा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इसको फ़िश रॉड से भी पकड़ा है तो भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। लाइक्स तो बनता है यार, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।